धरती पर कैसे आया इंसान, कैसे दिखते थे हमारे पूर्वज, कैसा था उनका रहन सहन, ये सब रोचक बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक इस तरह की जानकारियां पहुंचाते रहें। तो शुरू करते हैं। कई मर्तबा आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि इस धरती पर इंसान कब, कैसे और कहां से आए, आखिर उस वक्त इंसान कैसे रहा करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी और वो दिखने में कैसे हुआ करते थे, आखिर आधुनिक मानव कैसे विकसित हुआ और वो किन किन चरणों से गुजरा। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे और उस समय जंगलों में रहते थे, फूल पत्तियां और मांसाहारी भोजन से पेट भरते थे। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी का निर्माण युवा सूर्य के आसपास मौजूद धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था और इस मिश्रण में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कण एक दूसरे से जुड़ने लगे और छोटे छोटे पिंड बने। ये पिंड एक दूसरे से टकराते रहे और बढ़ते गए, जिससे अंत में बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इनमें से एक ग्रह है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां 4.3 बिलियन साल पहले विकसित हो गई थी। हालांकि सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म केवल 3.7 बिलियन साल पुराने हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय उपलब्ध कार्बनिक अणुओं में अंतरिक्ष से आए कार्बनिक पदार्थों का भी योगदान रहा है। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रतिक्रियाओं के मेलजोल से हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया का पहला आधुनिक मानव होमो सेपियंस करीब 3.5 लाख साल पहले अफ्रीका में बना था, जो पेड़ों से उतरकर भोजन की तलाश में जाया करते थे और इसमें कुछ ऐसे थे जो पेट भरने के लिए शिकार करने लगे। यह वक्त उस समय का क्रांतिकारी युग था। इस बात का जिक्र हमें योल नो हरारी की बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में भी मिलता है। इस युग में इतनी क्रांति आई कि उस समय के मानव ने शिकार करने के बाद आग जलाकर उसे पकाकर खाना सीखा। फिर होमो इरेक्टस के बाद मानव विकास दो शाखाओं में बंट गया। पहली शाखा का अंत नियंड्रथल मानव में हो गया और दूसरी शाखा क्रोमैग्नॉन मानव से गुजरकर आज के इंसान तक पहुंची और आज इंसान ने नए नए आविष्कारों को जन्म देकर खुद को इतना बदल डाला है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।